सर ये जैसे कि कंप्रेसर, आप कंप्रेसर की डिटेल बताइए। एक्चुअली सर कंप्रेसर है, इसका जो मॉडल नंबर है CPAC 6050। ओके। और इसकी जो डिटेलिंग के बारे में बात करो सर, तो इसका पावर आपका 2.5 HP है और एयर प्रेशर जो इसका है आपका 185 L min है। ओके। ठीक है सर। और दूसरा सर इसका जो वोल्टेज है वो 220 का है और इसका वर्किंग प्रेशर जो है 8 बार का है। ओके। आज की वीडियो में हमें क्या कवर करने वाले हैं? सर बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वुड कटर मशीन। वुड कटर मशीन जी, ठीक है सर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में WD बोलते हैं। ओके सर। तो ये रहा आपका वुड कटिंग मशीन जिसमें आपका मार्बल कटिंग भी आता है। ओके। और इसका डिटेलिंग के हिसाब से बताऊं तो इसका जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट का, ठीक है सर, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 की होती है। okay. और इनपुट पावर इसका 1700 वोल्ट का होता है, ठीक है सर, और जो इसका नो लोड स्पीड है वो 12000 आरमीन होता है, ठीक और है। जो ब्लेड की कैपेसिटी है सर वो 125 mm यानी 6 इंची का होता है, ठीक है सर। ये लाइट से भी चल जाएगा, जनरेटर से भी चल जाएगा क्या? बिल्कुल सर। और सर ये जैसे कि आप बता रहे हो वुड कटर है, तो ये टाइल पत्थर भी काट सकता है? सर बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको बताया कि वुड कटिंग के लिए, जब मैं हम आपको जो शॉर्ट नेम बताया WD, वैसे ही मार्बल कटिंग के लिए MB है, यानी मार्बल कटर। ओके। जी टू इन वन है? नहीं सर, तो उसकी अलग मशीन है। okay. जिसको हम 125 MB बोलते हैं, ये होगी आपकी मार्बल कटिंग, और CP125 WD जो आपकी वुड कटिंग मशीन है। ठीक है सर, जैसे कि ये मैं मशीन देख रहा हूँ, ये क्या है और कैसे वर्क करता है? सर ये सर्कुलर सो मशीन है, ठीक है, जो कि टेबल वगैरह कटिंग करने के लिए काम आता है, जिसमें आप टेबल पे सेट कर लो, ठीक है सर, और लकड़ी को आप काट सको आराम से, ना आपको कहीं हिलाना है ना कहीं हाथ में लेके जाना है। कारपेंटर से रिलेटेड मशीन? बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है सर, जैसे ये मशीन देख रहा हूँ सर, इसका क्या डिटेल है, क्या वर्क करता है? इसीलिए सर ये हमारे जो प्रोडक्ट है वो न्यूविट का है। ओके। और खासकर आपने देखा होगा कि बंदे दो दो हाथ से पकड़ के टाइल ले आते हैं, गलती से छूट गया या हाथ में टूट जाता है, ऊपर से हाथ में भी चोट लग जाते हैं, ठीक है सर। तो उसको देखते हुए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ठीक है, जिसको हम मॉडल नंबर के हिसाब से देखें तो इसको NBT CT 135 है, ठीक है। तो ये टाइल पकड़ने के काम आता है, बेसिकली बहुत ही इजी और वेट में बहुत ही हल्का है ये। सर ये मैनुअली है या इसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक से चलती है ये? सर ये भी आपका कॉर्डलेस है, जो इसको आपको बिजली की जरूरत नहीं है, बैटरी चार्ज कीजिए आप यूज कीजिए। सर आपका जो नॉर्मली टाइल मार्केट में बिकते हैं, ठीक है, ठीक उसका है। वेट बहुत ही प्यार से उठा सकता है, जैसे कि टाइल पत्थर जिस मैकेनिक को उठाना है उसने ऐसे पकड़ा और उठा के सीधा ले जा सकता है। बिल्कुल सर, जहां पर फिट करना है वहां पर रख दिया। बिल्कुल। पहले क्या होता था, दो बंदों को उठाना होता था। बिल्कुल सर, तो भाई तो उसमें चोट भी लगने का डर होता था सर। मशीन लगी तो भैया ये जैसे कि मैं मशीन देख रहा हूँ, दो काफी हैवी है और काफी देखने में बिल्कुल पावरफुल लग रहा है, इसका क्या वर्क है और इसे मशीन को कहते क्या है? सर बेसिकली इसको हम कहते हैं डेमोलिशन हैमर। ओके। और ये अभी आपका हैवी ड्यूटी में आता है, जो है आपको पत्थर वगैरह ग्रेनाइट वगैरह तोड़ने के काम आता है। इसमें सर बेसिकली आपके पास तीन ब्रांड आते हैं, कैमरॉन गोल्ड, कैमरॉन इको और कैमरॉन प्रो, ठीक है सर। तो आप इसमें तीनों में काफी मतलब तीनों के सेम परफॉर्मेंस है, आपकी पसंद है कि आप कौन सा लेना चाहते हो? ओके, यानी वर्क एक जैसा है? बिल्कुल सर, परफॉर्मेंस एक जैसा है? बिल्कुल सर। ठीक है सर, ये दोनों मशीन की बात करी जाए तो सर बेसिकली सर ये प्लेनर मशीन है, जो आपने देखा जैसे रंदा मारते हुए देखा होगा आपने, पहले वो हाथ में छैनी लेके वो छैनी टाइप का लेकर रंदा मारते थे। ये कारपेंटर से रिलेटेड? बिल्कुल सर बिल्कुल सर। उसमें क्या होता था सर, वो हाथ से करते थे, कभी गलती हो जाती थी, ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, और उसमें क्या होता हाथ में चोट लगने का डर होता था। तो उसको देखते हुए ये मैन्युफैक्चर किया गया, जिससे आप बड़े ही प्यार से, वेट के मामले में देखा जाए तो ये बिल्कुल 2 से 2.5 किलो के आसपास है और आराम से आप प्लेनिंग कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें दो ब्रांड आते हैं, डिटेल में बात करी जाए तो? और सर डिटेल में बात करी जाए तो इसकी जो इनपुट पावर है, इसका जो इनपुट पावर वो आपका 200 वोल्ट का है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी 50 की है और जो इसका वोल्टेज है वो 570 का है, ठीक है सर जी।